स्वीटी क्या पूछ रही है? मैम एक क्लोज फ्रेंड इग्नोर कर रहा है, रीजन कर रहा है, रीजन जॉब को बता रहा है, पुलिस में है। मैं क्लोज मानती हूँ, वो सिर्फ फ्रेंड मानता है। मैं अटैच्ड हूँ, 2 दिन से बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। स्वीटी गुप्ता, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। कितनी बार मैं सेम चीज रिपीट करूँ, आप रिलेशनशिप्स नहीं थोप सकते, है ना। आप इमोशंस फील कर लो दुनिया में, जो आपको टीवी में भी दिख जाए उसके प्रति भी, वो एक अलग कहानी है। बट जब आप, ये टू वे स्ट्रीट है, दोनों लोगों का एफर्ट लगता है, और जीवन में आपके, आपका काम इम्पॉर्टेंट है ना। उसको अपनी नौकरी करने दो, आप अपने जीवन में फोकस करो। इतनी बड़ी दुनिया है, 8 बिलियन लोग हैं यहाँ, क्या एक छोटी सी जगह पे एक बड़े से व्यक्ति को मान करके सब कुछ लगे हुए हो, है? काम करो, देखो पेपर है इतने दिन बाद, कॉन्सेंट्रेट। ये हमारे दिमाग को ना रीजन्स चाहिए ना करने के कोई काम, है ना, दुख मनाने के। तो जाने दो ना तेल लेने, जिसको जाना है वो, आप कैसे रोक सकते हो किसी को, और जिसको रुकना है उसे भेज नहीं सकते हो। इतने दुख के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो, मतलब ये ऑफलाइन पूछ ला। मैं देखती हूँ ऑफलाइन में कौन से लोग हैं, उनके फेस पे कैमरा लगाएंगे हम। ये आप ऑनलाइन में पूछ भी पाते हो उस तरह के सवाल? देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, मिसेज मनीषा कह रही हैं कि भाई कैसे एनवायरमेंट, या मिसेज मनीषा अटकी हुई है एनवायरमेंट अच्छा बनाने पे और आप अटकी हुई हैं। छोड़ दो यार, मुझे वैसे अच्छा भी लगता है कि आप लोग उतना ईज महसूस कर पाते हैं कि अपनी समस्याएं डिस्कस कर पाते हैं। ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। लोगों का ध्यान भंग करने में 2 ही मिनट लगते हैं किसी को भी, तो इतने जीवन को सस्ता मत बनाइए कि कोई भी आता जाता व्यक्ति आपके जो मेन मुख्य चीजें हैं आपके जीवन की, जो आपका काम है, आपकी एजुकेशन है, लाइफ है आपकी, उसको हिला करके रख दे, नहीं तो आपकी चाबी फिर दूसरों के हाथ में हमेशा रह जाएगी। देखिएगा, खैर